फिसल गई मीनाक्षी, घट गई अनहोनी, मंदिर की सीढ़ियां बनी मौत का सामान। ये महज इत्तेफाक था या फिर मीनाक्षी जानबूझकर मौत को गले लगाना चाहती थी? घर वालों को बिना बताए मीनाक्षी मंदिर आ गई और पूरा दिन भूखी प्यासी भगवान के मंदिर में बैठी रही। इसीलिए जब वो उतरने लगी तो कमजोरी के कारण उसका पैर फिसल गया। परिवार के साथ मैं इतने दिलो जान से जुड़ी थी, उन परिवार के हर एक सदस्य ने बहुत गंभीर सवाल पूछे मुझसे और उस सवाल के मेरे पास जवाब नहीं थे, तो कहीं ना कहीं एक दिल टूटा और एक नाराज़गी हुई और ये सोचा कि क्यों ना कुछ वक्त के लिए परिवार से अलग हो आ जाए। माँ हैं वो थोड़ी नाराज़ हैं हमसे क्योंकि हम उनसे नाराज़ हैं जी। सो द बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस इज व्हाट आई हर्ड जी, एंड फॉर हर तो है ही। हाँ, तो वो एक ड्रास्टिक सा स्टेप ले लेती हैं, मंदिर आ जाती हैं और किसी को पता नहीं चलता कि वो गई कहाँ है। आप लोगों ने ये नहीं बताया कि आखिर मीनाक्षी नाराज क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मीनाक्षी पूरी फैमिली को छोड़ अकेले ही मंदिर आ गई और उनकी ऐसी हालत हो गई? उन्हें बिल्कुल ये लगता है कि यदि केतकी की शादी में कुछ गड़बड़ हुई है और मुझे पता था तो मैंने क्यों नहीं कदम उठाया और क्यों नहीं मैंने लड़कियों की बात मानी। तो ये है सारा माजरा। वो तो शुक्र है कि मिष्टि ने ऐन वक्त पर मीनाक्षी को गिरते हुए देख लिया और वो सारी फैमिली को लेकर मीनाक्षी को बचाने दौड़ पड़ी। हम भी मान गए उनकी हर बात और उन्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया जी। Now everyone feels like कि हमने गलती की है। जी। कोई नहीं अबीर, दिल छोटा नहीं करते। आखिर मीनाक्षी माँ है आपकी, इसीलिए अगर उनसे गलती हो भी गई तो उन्हें माफ करना आपका फर्ज है। चलिए अब बात करते हैं पर्दे के पीछे की, जहाँ मीनाक्षी के सीढ़ियों से फिसलते हुए सीन को रियल बनाने के लिए कैसे स्टंटमैन ने इस खतरनाक स्टंट को अंजाम दिया। इतने बेहतरीन स्टंट को परफॉर्म करने के बाद जोरदार तालियों से सबने स्टंट वुमेन की तारीफ की, तब जाकर ये शानदार सीन शूट हुआ। प्रियांशु झा, मुंबई आज तक।